हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। बिना वक्त बर्बाद किए हम सीधा चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ पॉइंट्स जिनको कंसीडर किए बिना इट इज रियली नॉट अ गुड आइडिया टू कम टू कनाडा। जो लोग आज पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं उन्हें मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। दिस इज भावना। मैं कनाडा आई थी 2019 में अपनी फैमिली के साथ फ्रॉम राजस्थान इंडिया। और क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं तो जैसा कि सभी के साथ होता है जब हम बिल्कुल न्यू कंट्री में आते हैं तो कितना कुछ हमें फेस करना पड़ता है, क्या मुश्किलें परेशानियां आती हैं, तो एक पूरी लंबी चौड़ी कहानी इसके ऊपर बन सकती है, राइट। तो आज हम उस लंबी चौड़ी कहानी पे बात नहीं करने वाले हैं। आज आपके सामने मैं सिर्फ वो 10 बातों के बारे में बात करूंगी जो जिनके बारे में आपको आने से पहले थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए अगर आप प्लान बना रहे हैं तो। ये डीमोटिवेटिंग वीडियो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं बोलूंगी कि आप मत आओ, और मैं कहीं पे भी आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप आओ, बिकॉज दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर डिसीजन। जो आपको अपने लिए ठीक लगता है आप वही करेंगे, पर ये वीडियो आप जरूर देखिए क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो कनाडा आते ही जिस चीज से सबसे पहले आपका सामना होगा वो है होम सिकनेस। आपको अपने घर की, अपने परिवार की, अपने देश की, अपने दोस्तों की, सब चीजों की बहुत याद आएगी। अपनी कंट्री में हमने इतने फैमिली फंक्शंस अटेंड किए होते हैं, इतने त्यौहार हम लोग मनाते हैं, खुश रहते हैं, गेट टुगेदर चलती ही चलती रहती है, और स्पेशली आने से पहले जो हमारा मिलना जुलना होता है उसके जस्ट बाद जब हम यहाँ आते हैं तो सबकी कमी हमें बहुत ज़्यादा खलती है और वो वक्त सीरियसली निकालना बहुत मुश्किल होता है। कई लोग नहीं रह पाते ऐसे सिचुएशन में और फिर वो गिव अप कर जाते हैं और वापस अपने देश लौट जाते हैं। तो मैं इसके बारे में यही बोलूंगी कि गिव अप मत करो। जब आ ही गए हो तो थोड़ा सा वक्त दो खुद को और ये चीजें पहले से कंसीडर करके आओ कि हमें अकेले ही रहना है, हमारा वहां कोई नहीं होगा जाते ही, राइट। तो अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग बना के लाओ कि हम जो करने जा रहे हैं वो हम करेंगे और धीरे धीरे फिर हम अपनी फैमिली को भी अपने साथ बुला लेंगे। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड जब आप लेकर चलेंगे तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है। ये एक होम सिकनेस एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा नहीं है कि द वेरी बिगनिंग ही आपको फील होगी। आपको साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद भी कभी कभी ऐसा टाइम निकलता है जब आप बिल्कुल अच्छा फील नहीं करते हो अकेले, आपको बस याद आती है अपने घर की बहुत और आप बस भाग के पहुंच जाना चाहते हो। पर ऐसे वक्त में याद रखो वाई, अपना वाई, क्यों आपने ये डिसीजन क्यों लिया, ठीक है। और उनको बुला लो ना, जैसे ही आप थोड़ा सा सेटल डाउन होते हो आपके पास ये ऑप्शन होता है, यानी आपके पास इतने पैसे बन जाते हैं कि आप घर वालों से मिलने के लिए जा सकते हो और उनको बुला सकते हो, पेरेंट्स तो पीआर भी हो सकते हैं। क्योंकि हमें पहले से ये चीज़ पता होती है कि वहाँ हमारा कोई भी नहीं होगा, हमें अकेले ही रहना है, तो अपना माइंड मेकअप इसी तरह से करके आओ, मेंटली इतने स्ट्रांग बन के आओ कि आप जो कुछ टाइम आपको अकेले निकालना है वो आप आराम से निकाल सको। पॉइंट नंबर 2, नेवर गेट इम्प्रेस्ड बाय द सोशल मीडिया। देखिए बहुत सीधी सी बात यह है, जब हम खुश होते हैं तभी हम सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स डालते हैं, राइट। जब हम कहीं खूबसूरत सी जगह जाते हैं तभी हम डालते हैं। और ऐसा ये नहीं है कि कोई इमिग्रेंट से ऐसा कर रहे हैं या जो आपको कोई दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं है। हम इंडिया में भी तो हम सब लोग यही करते हैं ना, जब हम खुश होते हैं, गेट टुगेदर होती है, अपनी फैमिली के साथ होते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, हम खुश होते हैं तो ही हम पिक्चर्स अपलोड करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी देखा है किसी को कि कोई बंदा रो रहा है या परेशान है या उसकी लाइफ का कोई फेज कोई अच्छा नहीं चल रहा है और उसने उस चीज को सोशल मीडिया पे अपलोड किया हो? एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, राइट। कोई भी आपको अपनी मॉर्गेजेस के बारे में, अपनी किश्तों के बारे में और कितना वो होम सिक फील करता है उसके बारे में या कितनी परेशानी आ रही है ठंड के बारे में, ये सब चीज़ें तो कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं डालेगा ना। जो हार्डशिप्स होती हैं, जो स्ट्रगल्स होते हैं, वो हर बंदा
अकेले में ही करता है, और जब वो खुश होता है तभी वो आपके सामने आता है, राइट? सभी लोग ये करते हैं। आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या हैं, क्या आप सच में मूव करना चाहते हैं, क्या आप सच में एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर हाँ तो स्टेप फॉरवर्ड, अगर नहीं तो ये कि ओ इतना सब कुछ तो अगलों के तो मजे हैं, ये है वो है, ऐसा नहीं होता है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी ये बात बोली थी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरे पर भी उतना ही गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो उसके बाद ही आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। लाइक आपका अपना कोई मोटिव है, राइट? आपने कुछ प्लान किया है अपनी लाइफ के लिए, आपको कुछ डिफरेंट चाहिए तो आप सोच रहे हैं, ठीक है, वहां तक तो बात समझ में आती है, राइट? वहां ये तो होना भी चाहिए। बट अगर ये कि कोई और गया है या सब लोग जा रहे हैं या इतने लोग जा रहे हैं तो चलो हम भी चलते हैं, नहीं, अगर आप नहीं आना चाहते तो दूसरों को देख करके अपने लाइफ के डिसीजंस बिल्कुल मत लीजिए। सबकी लाइफ अलग होती है, सबकी लाइफ की प्रायोरिटीज अलग होती हैं, सबकी ड्रीम्स अलग होते हैं, आपको अपनी ड्रीम्स पे फोकस करना है, न कि दूसरों के। तीसरा पॉइंट है जो आप सबको पता है वैसे तो, यहाँ की सर्दी। हर प्रोविंस का टेम्परेचर वैसे तो आप देखो अलग अलग रहता है, पर यूजुअली आप एवरेज -15 -20 एवरेज होता ही है। कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं जहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती है, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया जहाँ पे मैं हूँ, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे -50 भी हो जाता है। क्योंकि मैं भी विंटर पर्सन नहीं हूँ तो आने से पहले मुझे भी इस बात का बहुत डर लगता था, मुझे यही लगता था कि मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी इस ठंड में। पर आप देखिए कि घरों के अंदर या जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, कोई स्टोर में, कोई ऑफिस में, कहीं पर भी आपको अंदर ठंड इतनी महसूस नहीं होगी, सारा इंसुलेटेड है और सेंट्रल हीटिंग होती है, तो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। एक चीज ये है कि अगर आपको आउटसाइड जॉब मिली है तो भी आप विंटर गियर्स इतने अच्छे हैं, बूट्स वगैरह इतने शानदार मिलते हैं कि यहाँ की ठंड के हिसाब से कि आप उसको मैनेज कर पाएंगे, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील। स्नोफॉल भी बहुत अच्छा लगता है पिक्चर्स में, और पहली बार होता है तो सबको अच्छा लगता है, पर जब वो कंटिन्यूसली कुछ दिन तक चलता रहता है तो सड़कों के जो हाल होते हैं, घरों के जो हाल होते हैं, टू मच, पर वो भी मैनेजेबल है। चैलेंजिंग है, बट जब आप आते हो तो क्योंकि सारा कुछ नया है, सारा कुछ ही सीखना ही होता है यहाँ के, तो आप मैनेज करना सीख जाते हो वो भी। चौथी बात ये कि अगर आप अपने देश में वेल सेटल्ड हैं, अच्छी जॉब है आपकी, अच्छा बिजनेस है, आपका अच्छा घर है, गाड़ी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लाइफ में एक स्टेबिलिटी है जो आपको अच्छी लगती है, अगर ये सब चीजें आपके पास हैं तो कनाडा आने के डिसीजन पर एक सेकंड थॉट बनता है। नेक्स्ट कंसीडरेशन है मेरा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक को लगता है कि हमने इतनी पढ़ाई की है और हमारा इस फील्ड में हमारा इतना एक्सपीरियंस है, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों या टीचर्स हों, सबको लगता है कि हमें अपनी फील्ड में ही जॉब मिलनी चाहिए, हम ट्राई करेंगे हमें तो मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप आओ और आपको अपनी फील्ड में जॉब मिल जाए, और आपको फील्ड चेंज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सही यही रहता है कि जिस भी फील्ड में जॉब मिल रही है बस उसको ग्रैब कर लो। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ आने के बाद में आपको अपनी ही फील्ड में काम मिले तो उसके लिए आपको खुद को अपग्रेड करना होगा, उसके लिए आपको कोई कोर्स करना पड़ेगा, उसकी फीस देनी पड़ेगी, और मीनवाइल आपको काम भी करना पड़ेगा क्योंकि फीस उसी से चुकाई जाएगी, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। पॉइंट नंबर 6, बीइंग अ पेरेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पीआर हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ आ रहे हैं, आपके बच्चे हैं, और आप ये सोच के आ रहे हैं कि चलो चल के देखते हैं, साल दो साल रह के देख लेंगे, अगर सब कुछ सेट हुआ तो ओके, अदरवाइज हम लोग वापस आ जाएंगे, है ना, यहाँ तो अपना सब कुछ है ही, तो चलो ट्राई करने में क्या जाता है, राइट? पर इसमें एक चैलेंज आपको ये आएगा कि अगर आपके बच्चे यहाँ के स्कूल्स में पढ़ लिए, अगर उन्होंने एक बार यहाँ का कल्चर
अपना लिया, उसके बाद आप कहेंगे नहीं जी बेटा जी हमारा तो यहाँ मन नहीं लग रहा है चलो वापस चलें, तो वो आपको कहेंगे नो। बिल्कुल, तो ऐसा एक्चुअली मुझे किसी ने पूछा था कि हमारा मन है कि हम आ जाएं, विदेश की धरती पे रहना भी हो जाएगा और साल दो साल अपना रह के वापस आ जाएंगे इंडिया, तो ये एक कोई अच्छा आइडिया नहीं है सीरियसली। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हमारी फैमिली होती है वहाँ पे, हमारे यार दोस्त होते हैं वहाँ, हमने अपनी ज़िंदगी वहाँ बिताई होती है अपने देश में, हमारा तो क्या घर की ईंटों से भी जुड़ा होता है, ठीक है, और गलियाँ भी याद आती हैं, वहाँ का खाना भी याद आता है, पर बच्चे अभी अपनी यादें बना रहे होते हैं तो उनको यहाँ एडजस्टमेंट में भी कोई इशू नहीं होता है, और एक बार जब वो इस माहौल में ढल जाते हैं तो उसके बाद उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इससे बाहर आना। और चलो आपने धक्का भी कर लिया कि चलो हम बड़े हैं हमारा डिसीजन चलेगा, पर फिर जिंदगी भर उनको इस चीज़ का ये मलाल रहेगा कि हमारी लाइफ कुछ और हो सकती थी और आपकी वजह से इसमें चेंजेस हो गए हैं। इसलिए अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं तो ये साल दो साल वाला कॉन्सेप्ट अपना थोड़ा सा क्लियर करके ही आना। पॉइंट नंबर 7, स्टेटस आपका यहाँ पे आके बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है। जैसे इंडिया में हम अपने घरों में आराम से रह रहे होते हैं, हमें कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होती, और यहाँ आके हमें स्टार्ट करना पड़ता है बेसमेंट से, जो कि आसान नहीं है, राइट? ये आप लोग सब जानते हैं, बेसमेंट फेमस है, है ना? आते ही हमारे पास कार नहीं होती, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होता है, और काम पे जाने के लिए हमें बस का वेट करना होता है, कई बार दो दो बसें भी चेंज करनी होती हैं। तो ये भी चीज़ें जब ऐसा हो रहा होता है तब भी लगता है क्या लाइफ जी रहे थे वहाँ, आराम से कोई टेंशन नहीं थी, तो ये भी एक पॉइंट है। अब इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ ये है कि यू शुड हैव पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखेंगे, साल दो साल खुद को दीजिए, और अच्छे से अगर मेहनत करेंगे आप तो आपके पास अपनी गाड़ी भी होगी, अपना घर भी होगा, सब कुछ होगा, इंडिया वाला ही स्टेटस आप धीरे धीरे यहाँ पे अपना मेंटेन कर सकेंगे, पर वक्त को वक्त देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8, जब हम टीवी में वीडियोस में देखते हैं बड़े बड़े शहर वैंकूवर टोरंटो, तो सबका मन करता है कि भाई कनाडा आके हम इन्हीं शहरों में बसें, पर हकीकत यह है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बड़े शहरों में बहुत ज्यादा है, और आते ही एक नॉर्मल बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। बेहतर आइडिया ये रहेगा कि आप कोई छोटे शहर में बसें, और धीरे धीरे अगर आपका मन ही है कि हमें मेट्रो सिटीज में ही सेटल डाउन होना है, तो कुछ वक्त छोटे शहरों में निकाल करके, कुछ अपना पैसा जोड़ करके आप बड़े शहरों में मूव हो सकते हैं। पर यहाँ फिर मैं एक बात कहूँगी कि मेट्रो सिटीज में रियल एस्टेट की कीमतें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। मेट्रो सिटीज में अगर आप सोचें कि हम अपना घर लें, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, और ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है, शहर बहुत आसपास ही है, मतलब इसका तोड़ बता रही हूँ, शहर आसपास ही है सारे, जब आपका मन करे आप वहां पे जाके घूम घाम के आ सकते हैं, और छोटे शहरों में आप आराम से रहिए। नाइट लाइफ नहीं होती है छोटे शहरों में यहाँ, और बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, बट स्टिल आई वुड से कि अच्छा है। पॉइंट नंबर 9, सारे काम आपको खुद को ही करने पड़ेंगे, आपकी हेल्प के लिए आपको कोई हेल्पर नहीं मिलेगा। फर्स्ट रीज़न इसका ये है कि यहाँ के कल्चर में ये है नहीं चीज़, सब लोग अपना काम खुद ही करते हैं, और दूसरी बात ये कि क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वेजेस का थोड़ा सिस्टम अच्छा है, यानी अगर आप मिनिमम वेज पे काम कर रहे हो और आपने कोई हेल्पर रखा है अपनी मदद के लिए, तो आपको उसे भी उतना ही देना पड़ेगा जितना आप कमा रहे हो, तो बेटर कि आप खुद कर लो। पर बात यह है कि अगर कपल आ रहा है, लाइक आप PR होकर आ रहे हो, तो अगर आपने इंडिया में स्पेशली मेल्स अगर इंडिया में काम नहीं किया है, तो यहाँ आके आपको थोड़ा सिस्टम अपना चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है बिना दो बंदों के कमाए यहाँ पे चलता भी नहीं है, दोनों को ही कमाना पड़ेगा, तो फिर काम भी घर का दोनों को ही करना पड़ेगा। तो इसका एक अच्छा आइडिया ये है कि आप अभी से, अगर आपकी फाइल लग चुकी है या आपकी फाइल प्रोसेस में है अभी, या आप लोग सोच रहे हैं या IELTS का एग्जाम दे रहे हैं,
तो आप धीरे धीरे घर के काम करना शुरू कीजिए, सीखिए, क्योंकि यहाँ आके जब दोनों मिलके घर की गाड़ी चलाएंगे तो ही कुछ पार पड़ेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, इनकी भी बहुत ज्यादा लेबर है यहाँ पर, तो ये सब काम भी सीख कर आएंगे तो अच्छा रहेगा। एक तो इससे आप अपने डॉलर्स बचा पाएंगे और दूसरा जो आप फोन करके जो उनको बुक करवाते हो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता जल्दी से, कई बार बहुत नीड होती है तो उसके लिए आपको कम से कम डबल ट्रिपल पैसा देना पड़ेगा, तो इसमें कोई सेंस नहीं है। तो बेहतर होगा कि इस तरह के कुछ काम हैं जो हम लोग, गाड़ी ठीक करना, गाड़ी के कुछ पार्ट्स ठीक करना, ये छोटे मोटे सारे काम अगर हम लोगों को आते होते हैं तो हम लोग काफी सेव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, क्या आपने अपना कोई बैकअप प्लान बना रखा है? अगर हाँ तो आप वापस जाने के लिए तैयार ही रहना। क्या होता है कि जब हमारे दिमाग में ये चीज होती है कि देखते हैं साल दो साल रह के, सबका यही होता है राइट, कि चलते हैं देखते हैं साल दो साल रह के, मन नहीं लगा तो वापस आ जाएंगे और यहाँ तो सब कुछ अपना है ही, कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है राइट। तो जो ये सोचेगा वो वापस जाएगा। अगर ये सोचकर आओगे कि मैंने अपनी जिंदगी में दूसरा कोई विकल्प रखा ही नहीं है, मुझे जाना ही है और मुझे अपने आप को वहां प्रूव करना ही है, तो दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। इस सोच के साथ आओगे तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको यहाँ पे अपने आप को साबित करने के लिए, और वो ये कि मेहनत का यहाँ कोई विकल्प नहीं है। हम सोचें कि रातों रात अमीर हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। आपको लगेगा कि अच्छी जॉब मिल जाएगी आते ही, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जॉब अच्छी मिल भी जाएगी पर उसके लिए भी आपको अपना टाइम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जब हम लोग भी आए थे उस वक्त भी एक्सप्रेस एंट्री में इतने ड्रॉज निकल रहे थे, 3500, कभी 4000, एक बार 9000 भी। तो मुझे भी ये लगता था, मतलब तब हमारा प्रोसेस चल रहा था और मुझे लगता था इतने लोग जा रहे हैं तो हमारा वहाँ क्या बनेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप मेहनत कर सकते हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सबकी अपनी जगह है यहाँ पर और बस आपको एक मेन चीज, हार्डवर्क तो है ही है, यू शुड बी ओपन टू लर्न। आप नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहिए हर वक्त और आपको गाइडेंस यहाँ बहुत मिलेगी, उसका कोई इश्यू नहीं है। आप किसी से भी थोड़ा सा आपको ओपन होना पड़ेगा, लोगों से जब आप बात करोगे तो आप एक बात पूछोगे वो आपको 10 बातें बताएंगे। तो एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको, जॉब के बारे में और जानकारियां मिलेंगी, पढ़ाई के बारे में और जानकारियां मिलेंगी, तो थोड़ा सा आपको अपना सर्किल भी यहाँ पर क्रिएट करना ही पड़ेगा। और वैसे भी जब अकेले आते हैं हम तो मन लगता भी नहीं है, तो एक सर्किल तो होना ही चाहिए। यहाँ आने के बाद मैंने एक फ्रेज सुनी थी कैनेडा के लिए कि कैनेडा को सब लोग मीठी जेल कहते हैं, उससे पहले मैंने कभी सुना नहीं था। तो मीठी जेल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि जेल तो है ये, आप एक बार अंदर घुस गए अब आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते, किसका दिल नहीं करता वापस अपने होम कंट्री जाके मिलने का सबसे, या वापस शिफ्ट होने का राइट। पर होता क्या है कि हम घर ले लिया, कार ले ली, एजुकेशन लोन ले लिए या और दूसरे लोन्स ले लिए, तो उनकी किश्तें शुरू हो जाती हैं राइट। तो वो तो तभी चुकाई जाएंगे ना जब आप काम करोगे, और जो जाके वहां बैठ गए अपने घरों में तो पॉसिबल नहीं है ना ये चीज। तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा, तो जेल तो वैसे हो गई, मीठी इसलिए है खूबसूरत बहुत है। अगर आपको यहाँ आने के बाद में आप बहुत सारी चीजें गिनाओगे यहाँ पे, तो ये गलत है वो गलत है, फिर आपको कोई कह दे अच्छा ठीक है जाओ अपने घर, तो आप कहोगे नहीं नहीं जाना है ना। तो अच्छा भी है, एक्चुअल में अच्छा ही है, पर मेहनत का कोई विकल्प नहीं है यहाँ पे। इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से जो रियलिटी है उससे रूबरू करवा सकूं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। एक्चुअल में पॉइंट्स तो और भी बहुत थे
पर क्योंकि मेरा चैनल नया है तो मैं वीडियो लंबा खींच करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे बताना, तो हम दोबारा फिर ट्राई करेंगे इसके लिए। अपनी तरफ से और भी कई जानकारियां देने की आपको कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बाय। अपनी कंट्रीज में हमने खूब पार्टियां की होती तो ही कुछ पार पड़ेगी, पर यहाँ पे तो घर भी अलग होते हैं ना, मतलब तो यहाँ पे तो घर भी अलग होते हैं, तो अगर वहाँ का सीखेंगे तो यहाँ के तो अलग होंगे। तो क्या झाड़ू पोछे तो सेम ही होते हैं।